जिले के देवसर बिजली विभाग महकमे की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें जमीन पर गिरी 11,000 केवी लाइन को समय रहते ना हटाने से तार की चपेट में आने से 11 गौ पशुओं की अकाल मृत्यु हो गई। जियावन गांव के सेमरा नदी के पास कल से ही बिजली की तार टूटकर गिर पड़ी थी, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने देवसर बिजली विभाग के अधिकारी को दी थी। बावजूद सूचना के भी इस पर इतना रख रखाव ना करने से आज सुबह खेत में चरने निकले दर्जनों गो पशुओं की इस करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। देवसर बिजली विभाग के अधिकारियों की इस बड़ी लापरवाही से घटी घटना को लेकर SDM विकास सिंह ने गंभीरता से लिया है और बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को इस घटना का प्रथम दृष्ट दोषी पाया है। SDM विकास सिंह ने घटनास्थल पर राज्य अधिकारियों की टीम को भेजकर ग्रामीणों को समझाइश दी है और उचित मुआवजे दिलाने का आश्वासन देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। रात को बिजली का तार टूटने से तार जमीन पर गिर पड़ा था और सूचना रात को बताया जा रहा है गाँव निवासियों के द्वारा कि रात को ही सूचना दे दी गई थी, लेकिन बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी कर्मचारी बिजली का तार न जोड़ने के लिए न बिजली का ये लाइन काटने के लिए कोई वहाँ पहुँचा, जिसके कारण सुबह मवेशी उसके घास चरने के लिए उधर गए तो उसमें बिजली के तार के चपेट में आ गए, जिसके कारण 11 मवेशियों की मृत्यु हो गई। इसमें प्रथम दृष्टया बिजली विभाग की लापरवाही स्पष्ट रूप से नज़र आती है। हमने जांच करा ली है तहसीलदार से और तहसीलदार का प्रतिवेदन आ रहा है। मैं दोषी जिसमें जो भी दोषी व्यक्ति पाया जाएगा उसके विरुद्ध पूर्णतया कार्रवाई की जाएगी और ये एक अत्यंत दुखद घटना है कि इतने संख्या में पशु बिजली की करंट से मृत्यु हुई है, तो जो भी बैठानी कार्रवाई हो सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।